अपने सामर्थ्य की बदौलत आया है, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना होगी, आप सभी अपना एक बार आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करने आया हूँ, मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ, और चूंकि ये इसरी बाजार है, मैंने कानों कानों में कुछ विषय को सुना है, मैं आज उस विषय पे भी चर्चा करना चाहता हूँ कि कुछ लोग आके इसरी बाजार के जो व्यापारी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, थोड़ा गाना को बंद कीजिएगा ना भाई, थोड़ा गाना को बंद, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ रुका। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैंने आपको रोक कर मैं अपना बात को रख रहा हूँ, लेकिन कानों कान मुझ तक एक संदेश आया कि कुछ लोग हैं जो इसरी बाजार के जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनके बीच आकर हमारी एक छवि को प्रस्तुत करते हैं कि अगर जरा तो चुनाव जीत के आएंगे तो इस तरह का आचरण होगा, ऐसा होगा। मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा, मैं एक बदलाव की राजनीति के लिए आया हूँ, चाहे वो किसान वर्ग रहे या व्यापारी वर्ग रहे। मैं अगर राजनीति में आया हूँ तो हर किसी का सम्मान रहेगा और संरक्षण भी मिलेगा। और मैं तमाम व्यापारी भाई जो है, जितने हमारी व्यापारी और व्यवसायी भाई हैं, आप एक बार थोड़ा सा जांच लीजिएगा कि आप लोगों को ये कहानी कौन सुनाते हैं, जेएमएम वाले? कौन जेएमएम वाले जो खुद एक प्रत्याशी को अलार्गो गांव जाने से लाठी से रोकते हैं? मैं आपसे संदेश विशेषकर व्यापारी वर्ग को देना चाहूंगा, जो जेएमएम के लोग आपके कानों में भरते हैं और एक जिला परिषद भी है, तो जिला परिषद को अपना नौ पंचायत का सेवा करना था। वो जेएमएम के लोग जो लाठी से अलार्गो गांव मुझे घुसने नहीं देते हैं, यही बगल में कोई राकेश महतो है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, वो जेएमएम के है, सुन रहे अपने गांव में उन्होंने दो दिन बिजली कट कर दिया था क्योंकि गांव वालों ने मेरा झंडा लगाया था। आप पढ़े लिखे लोग, व्यापारी वर्ग एक संपन्न लोग होते हैं, ठीक है, आप मुझे वोट करें या ना करें अलग विषय है, मैं फिर भी आपको अपना अभिभावक, आप मेरे जो भी रिश्ता लगते हैं, जिस उम्र में, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन सच्चाई को थोड़ा जान लीजिए। वो जेएमएम के लोग जो राकेश महतो दो दिन बिजली काट देते हैं, आपके बिरनी के मुखिया हमारा जहाँ झंडा लगा है उन घरों में जाके 50 किलो का चावल देते हैं कि झंडा हटा दो। एक बात बताइए, 20 वर्षों से आपने डुमरी को देखा है, बताइए किनके कार्यकर्ताओं ने दबंगई किया है? किनके कार्यकर्ताओं ने आपके सामने दबंगई किया है? मैं अभी चुनाव जीता नहीं हूँ, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, यदि मेरे भी साथी कोई ऐसा है जिनको लेकर आपके मन में कोई शिकायत है, तो आप नाम सजेशन कीजिएगा, अगर कोई गलत करता है अगले ही दिन उसको अपने पार्टी संगठन से निष्कासित करने का काम हम करेंगे। हम बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं, अगर कोई मेरी छवि को आपके सामने गलत प्रस्तुत कर रहा है तो एक बार उसके बारे में जानिए, ये कौन लोग है? ये मुख्यतः झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, पता कि जलारगो गांव में इतना मोटा मोटा डंडा लेके मेरा स्वागत था। बताइए कौन से भारत के संविधान में है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के गांव प्रचार के लिए नहीं जा सकता है? यही कोई पूर्व जिला परिषद राकेश महतो है, मैं जानता नहीं हूँ। सुन रहे, मत गोपाली गाँव के लोगों को उन्होंने दो दिन बिजली ही कट कर दिया था, मत गोपाली की घुटवाली है, दो दिन उन्होंने बिजली ही काट दिया था। बताइए आपको गलत लड़के के प्रति डर दिखाया जा रहा है, असली डर किनके सामने आपसे छुपा नहीं है, कौन लोग क्या कर रहे हैं छुपा नहीं है, ऐसे अनगिनत किस्से हैं। जब से मैं डुमरी का चुनाव लड़ रहा हूँ ना, ऐसे अनगिनत किस्से हैं जब हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जाता है कि हम सरकार में है केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, बहुत सारी प्रताड़ना दी जाती है, तो ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही विनती करूंगा, विशेषकर व्यापारी वर्ग से, व्यवसायी वर्ग से, आप लोग बहुत शिक्षित लोग हैं, आपकी सोच राजनीति को लेकर बाकी की तुलना काफी उच्च कोटि की है, इसलिए आप अपना मत देने से पहले एक बार थोड़ा सा जान लीजिएगा जो लोग आके आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं वो कितना दोषी है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाँ ये सत्य है कि मेरा स्वभाव में एग्रेशन है, लेकिन किसके लिए ये भी आप जानिए, मेरा वो एग्रेशन उन करप्ट पदाधिकारी हो, कंपनी के मैनेजर्स हो जो मजदूरों का शोषण करते हैं। आप देखिए, भले आप व्यवसायी हैं, लेकिन आपका व्यवसाय चले किसी कोई गांव से कोई किसान आता है जो बड़ी मुश्किल से दिन भर में 200-300 रुपए कमाता है, अगर कोई वीडियो अगर उससे किसी काम के बदले घूस मांगेगा और मैं वहां अगर एग्रेशन दिखाता हूं तो क्या यह गलत है? आप ही बताइए। मेरा दो तीन पिछले 4-5 महीने में मेरा एक रूप आपके सामने आया है जिसको लेकर शायद आप संशय में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो घटना बागमारा की है। ये संदेश मेरा विशेष कर इसरी बाजार के जितने भी हमारे अभिभावक तुल्य व्यापारी व्यवसायी वर्ग है उनके लिए है। बागमारा की वो घटना दरअसल ये है कि वहाँ 133 वर्कर काम करते हैं, मान के चलिए आप
कोई भी आपके अंडर भी बहुत सारे वर्कर्स है जो काम करते हैं, तो उनको पेमेंट कौन करता है? आप करते हैं। मान के चलिए अग्रवाल जी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, वहाँ सुनील अनिल नाम के दो लड़के काम करते हैं, तो उनको पेमेंट कौन करेंगे? अग्रवाल जी करेंगे। लेकिन बागमारा की घटना ये है कि वहाँ 133 वर्कर काम करते हैं। किसके अंडर काम करते हैं? संजय उद्योग और खेमटा, दो एजेंसी है, और बीसीसीएल उसके मतलब बीसीसीएल के अधीन दो एजेंसी काम कर रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उनको ना संजय खेमका पेमेंट कर रही है, ना बीसीसीएल पेमेंट कर रहे हैं, उनको सांसद पेमेंट कर रहे हैं। सारा पैसा सांसद को जाता है और सांसद 30,000 लेते हैं, उनको 8,000 रुपया पेमेंट करते हैं। बताइए गलत है कि नहीं? तो इसीलिए फिर कहूंगा, वोट आपका विषय है, देना या नहीं देना अलग विषय है, लेकिन मेरे बारे में जो नकारात्मक धारणा आपके मन में लोग डाल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं एक ऐसा लड़का हूँ, आज हजारों लोगों की मैं उम्मीद बन के आया हूँ, आज मैं हजारों लोगों की उम्मीद बन के आया हूँ। हाँ, थोड़ा सा एग्रेशन है, लेकिन वो केवल और केवल भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए है, चाहे वो बीडीओ रहे, सीओ रहे या डीसी रहे, कोई रहे, जो करप्ट करता है, जो झारखंड को लूटता है, उनके लिए हमारे व्यवहार है। बाकी अगर मेरे नाम से मेरे कार्यकर्ता भी अगर कुछ गलत करते हैं, आप उनका नाम चिन्हित करके बताइएगा, अगले दिन उनको अपने संगठन से हम डिसमिस करने का काम करेंगे, ये आपको वचन देते हैं। हाँ, मैं एक छोटी सी घटना यहाँ घटी थी, और आज मैं आपको एक ताजा घटना सुना रहा हूँ। आज रांची से बेरमो और डुमरी के लिए विशेष टीम आई है, वो विशेष टीम में बहुत सारे आईएएस पदाधिकारी हैं, और उनको ये बोला गया है कि आप डुमरी और बेरमो में एक काम ऐसा कीजिए कि जरा मतों चुन के चुनाव जीत के नहीं आ पाए। सोच सकते हैं आज लोग किस प्रकार से साजिश कर रहे हैं। यही दिल्ली के चुनाव आयोग की टीम भी आई है, आपको भी मालूम है हर एक विधानसभा में चुनाव आयोग दो दो पदाधिकारी भेजते हैं, उनको शायद ऑब्जर्वर कहा जाता है। वे लोग बैठ के बात क्या कर रहे थे मालूम है? कि झारखंड नहीं, पूरे इंडिया की हिस्ट्री में हम एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां नेशनल पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी जो 20 साल से सरकार में रही है, वो एक 29 साल के लड़के के पीछे हाथ धो के पड़ी है। आप अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो ये लड़का, आखिर मुझसे डर उनको क्यों है? सवाल ये भी है कि मुझसे उन आईएएस आईपीएस को डर क्यों है, उन सरकारों को डर क्यों है? ना, डर इसलिए कि अगर हम वहां जाएंगे तो हम वहां कोयले की बात करेंगे, बालू पत्थर की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, व्यवसाय की बात करेंगे। हम वहां जाएंगे तो हर झारखंड के मुद्दे को बहुत तार्किक ढंग से उठाएंगे। इसीलिए आज वो भयभीत है कि कुछ भी हो जाए ये लड़का नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक लोकसभा की घटना सुनाऊंगा, नाम लेके सुना देता हूँ, चंद्रप्रकाश चौधरी और मथुरा महतो। आपको मालूम है मैं तीसरा प्रत्याशी था, वो दो थे, इंडिया से मथुरा महतो, एनडीए से चंद्रप्रकाश चौधरी। वो निरसा में बैठ के एक दिन मीटिंग कर रहे थे। क्या मीटिंग कर रहे थे मालूम है? कि बोले कुछ होना हो जाए, जयराम अगर जीत के आएगा तो तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा का करियर खा जाएगा। ये उनका सोच है, सोच के देखिए। चंद्रप्रकाश चौधरी और मथुरा महतो निरसा में जाके मीटिंग कर रहे हैं, बंगाल बॉर्डर में, और क्या बात कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, तुम जीतो दिक्कत नहीं है, हम भी जीते तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लड़का जीतेगा तो तेरा भी बेटा का करियर खाएगा और मेरा भी बेटा का, क्योंकि हम लोग दोनों चाहते हैं कि हमारे बाद हमारा बेटा विधायक बने। तो एक बार इस लड़के को आप साथ दीजिए, ये बदलाव के लिए आया है। हमसे भयभीत होने की आवश्यकता उनको है जो झारखंड की कोयला को लूट रहे हैं, जो झारखंड के बालू को लूट रहे हैं, जो जंगलों को, खनिजों को लूट रहे हैं। जो ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक काम करने वाले लोग, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके बीच भी गार्जियन बन के नहीं, आपका बेटा, आपका रक्षक बन के खड़ा रहेंगे। ये आपको हम वचन देते हैं। अरे आप तो संपन्न लोग हैं। मैं यह बरकट्ठा की एक घटना सुना रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी, सरकारी रिटायर्ड टीचर, वो सरकारी टीचर, ऐसा नहीं कि वो कोई आम व्यक्ति, एक सरकारी टीचर है, वो बरकट्ठा गए थे सीओ से अपना साइन करने के लिए। तो सीओ ने उनको 3 दिन घुमाया, तो चौथा दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में, चूंकि आचार संहिता है। बूढ़े ने कहा, एक बुजुर्ग आदमी 70 साल उम्र पार हो चुकी है, उस बूढ़े ने कहा कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में। विश्वास कीजिए, जो काम 3 दिन से नहीं हुआ था, सीओ ने खुद उनको बुलाया, बोला बाबा जयराम महतो तो जवान लड़का है, ऐसा भाषण देता है तो चलेगा, बूढ़ा आदमी कहा ऐसा, बोले हम साइन कर देते हैं। क्या वो व्यवहार मेरा गलत है? ठीक है, हम मानते हैं, हम कभी 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 नहीं, हम एग्रेशन के लिए जाने जाते, लेकिन मेरा एग्रेशन
जनता के लिए है, मेरा एग्रेशन गरीब शोषित वंचित लोगों के लिए है। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, विशेषकर जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, बिल्कुल आप मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भ्रांति को उत्पन्न ना होने दें। मैं एक बेटा बन के सबकी सेवा करने के लाया हूँ। आपसे निवेदन है, एक परिवर्तन को सपोर्ट करें। आपने वोट किया है, 20 वर्षों से झारखंड जब से अलग हुआ है आपने किसी न किसी को वोट किया है। आपसे निवेदन होगा इस बार परिवर्तन के लिए वोट करें। आज देखिए बहुत सारे पत्रकार आते हैं तो क्या कहते हैं कि डुमरी फलाना पार्टी की परंपरागत सीट है, टुंडी फलाना पार्टी की परंपरागत सीट है, बगोदर फलाना पार्टी की परंपरागत सीट है। क्योंकि व्यवसाय वर्ग आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए लोकतांत्रिक देश में परंपरागत सुनने में ठीक लगता है? लोकतांत्र व्यवसाय वर्ग में आपसे निवेदन करूंगा, क्या लोकतांत्रिक देश में परंपरागत सुनने में ठीक लगता है? जी नहीं, लोकतांत्रिक देश में परंपरागत नहीं, परिवर्तन सुनने में ठीक लगता है। मैं परिवर्तन के लिए आया हूँ। आपका आशीर्वाद मिले तो जरूर इस राज्य में परिवर्तन होगा। और आप निश्चिंत रहे, मेरे छवि को लेकर ये जो विपक्ष दल के लोग राजनीति कर रहे हैं, आप खुद अभी अभी 5 दिन का समय है, आप घरों से बाहर आकर फीडबैक लीजिएगा कि गलियों में गांवों में दबंगई कौन कर रहे हैं। आप एकदम फीडबैक लीजिए। हम आज गए थे उत्तराखंड, वहां भी हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, डराया गया। हम एक साथी का दुकान में गए, उनको तुरंत फोन किया गया कि क्यों जयराम महतो को आने दिए, जबकि यही जयराम महतो कल हमको रविंदर पांडे जी का बेटा विक्रम पांडे मिले बेरमो में। हमने उनके खिलाफ ना उनका आंख फेरा ना गुस्सा दिखाया, बल्कि प्यार से बोले कि कहा विक्रम भैया, पापा 25 साल रहे, अब तो हम लोग को मौका दीजिए। हम बहुत प्यार से बोले, विक्रम पांडे एकदम सामना सामनी हो गए, रविंदर पांडे जी के सुपुत्र विक्रम पांडे मेरे फेस टू फेस हो गए। वो उधर से बीजेपी के प्रचार करने आए थे, हम इधर से अपना जेल कैंप का। तो हमने ना उनसे नजर फेरा ना उनको गुस्से से देखा, बड़े प्यार से कहा, क्या विक्रम भैया 25 साल से तब है ही, एक बार तो मौका दीजिए हम लोग को। तो निश्चिंत रहिए, मेरा वो चरित्र नहीं है, मेरा वो छवि नहीं है। मेरा एग्रेशन केवल और केवल भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए है जो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। अब बताइए, आज 6 लाख बच्चों ने CGL का फॉर्म भरा था, आज सुनने में आया 35 लाख में पेपर लीक हुआ है। अगर वहां हम गुस्सा करें तो बताइए क्या हम गलत हैं? आपके भी बच्चे तैयारी करते हैं, या फिर आपका व्यवसाय जिन लोगों के कारण, चूंकि व्यवसायी और किसान, गांव और बाजार एक दूसरे के सहयोगी हैं, गांव के बिना शहर नहीं और शहर के बिना गांव नहीं, क्या यह कल्पना होगी? तो शहर और गांव एक दूसरे परस्पर सहयोगी हैं। तो आप ही के दुकान में जो किसान के बच्चे आते हैं उनसे पूछिएगा कि CGL की परीक्षा का क्या हाल है, आज 6 लाख अभ्यर्थियों का क्या हुआ, और सरकार क्या कर रही है आपको भी मालूम है। हाल ही फिलहाल 150 लड़कों को राजस्थान से लाकर यहाँ हेल्थ ऑफिसर बनाया गया, तो वहाँ मेरा एग्रेशन दिखता है। इसीलिए आपको जो लोग बता रहे हैं वो बहुत गलत बता रहे हैं। वो लोग खुद, उनके ऐसे भी मंत्री जी जब तक थे श्रद्धेय थे, आदरणीय थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके कार्यकर्ता निरंकुश हो गए हैं, इस बात को मानिए आप। उनके निधन के बाद उन्हीं के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता निरंकुश हो गए हैं। और आपको भी मालूम है कि उनके कुछ दामाद बेटे भतीजे हैं और उनके कलच के दोस्तियारी हैं, वही लोग सिस्टम को चला रहे हैं, आपको भी मालूम है। अभी एक BLO बहन है, उत्तराखंड में एक BLO बहन है, उनका बेटा मेरा समर्थक है, तो बताइए क्या गलत है? वो BLO को फोन करके उनके प्रत्याशी का बेटा उनको बोलता है कि देख लीजिए ठीक नहीं हो रहा है, अगर हम लोग जीत गए तो बताइए आपका काम कैसे करेंगे। और आज जयराम महतो कह रहा है, मैं आपको अपनी एक छोटी घटना सुना रहा हूँ। लोकसभा के बाद एक व्यक्ति किसी केस में फंसा हुआ था, मेरे पास आया, लगभग 4 घंटा मैंने कभी इसको फोन किया, कभी DC को फोन किया, कभी SP को फोन किया, और 4 घंटा के बाद जब मैंने उसके समस्या का समाधान किया, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू था। आंसू इसलिए था, बोला कि तुमको हम वोट नहीं दिए थे, हम बोले हम वो नेता नहीं है कि हम बूथ देख के मदद करते हैं, तुम चले आना भैया, हम बूथ मदद नहीं करते। वो रो रहा था मेरे सामने कि यार तुम कैसा नेता हो, हम तुमको वोट नहीं किए हैं, मेरा पूरा गांव से तुमको मात्र 20 वोट मिला है, फिर भी तुम 4 घंटा मेरे लिए परेशान रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम 2024 में भी वोट मत देना, हम 29 में मांगने जाएंगे, लेकिन मेरी शिकायत जनता से कभी नहीं रहेगी। बताना चाहूंगा, यही सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, यही बगल में अतकी बरियरपुर गांव है, वहां के लोगों ने ट्रांसफार्मर का डिमांड किया, चौधरी जी ने क्या बोला मालूम है कि तुम्हारा वोट तो जयराम महतो गया, हम ट्रांसफार्मर क्यों दे? बताइए एक सांसद के मुंह से शोभा देता है? मैं आपको जो प्रत्याशी हैं अभी विधायक के, हमारे JMM के, उनके भी बेटे की एक कहानी सुना रहा हूँ। जब मेरा रैली आ रहा था ना नॉमिनेशन के दिन, एक व्यक्ति ने हमको सिर्फ माला पहनाया था, आज वो व्यक्ति जेल के अंदर है।
बस उसका कसूर था कि हमको माला पहनाया था, फिर चूंकि कुछ काम ऐसा था जो पुलिस से उनको रेड मरवा दिया, जबकि उससे पहले वो ठीक था। बस उसका गुनाह हुआ कि हमको उसने माला पहनाया। वो चंद्रपुरा या बंदियों की घटना है। तो बताइए कौन लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, कौन लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं? ये आपसे नहीं छुपा है मेरे अभिभावकों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं एक नया लड़का आया हूँ, मैं परिवर्तन की राजनीति करने आया हूँ। और मैंने शुरू आज भी कहूंगा, जो लोग मुझे वोट देंगे उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद, जो नहीं देंगे उनसे मैं 2029 में अपील करूंगा, उस समय भी नहीं देंगे मैं 34 में अपील करूंगा, लेकिन जनता के लिए मेरा नकारात्मक व्यवहार कभी नहीं रहेगा। मैं जीतने के बाद 90,000 या 1,00,000 जो लोग मुझे वोट देंगे मैं उनका विधायक थोड़ी रहूंगा, मैं डुमरी की 3.5 लाख आबादी का विधायक रहूंगा। मुख्यमंत्री बना तो झारखंड के 3.25 करोड़ व्यक्ति का नेता रहूंगा। इसीलिए वोट जिसने दिया उनको भी शुक्रिया, नहीं देंगे उनका भी शुक्रिया, जनता है, जनता जिस दिन उनको हमको लगेगा देंगे। तो इसलिए मेरा वो व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है। आप 2 साल से पहले अगर जानना, यही मैं इन कस्बों में फुटबॉल क्रिकेट खेलने आता तो आपके अंदर एक मैदान है, वहाँ मैं फाइनल जीत के गया हूँ। आपके अंदर एक मैदान है, वहाँ हम डे नाइट फाइनल जीत के गए हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि मेरा व्यवहार बस 2 साल का ये राजनीति का करियर है। 2 साल पहले हम एक पढ़ने वाला छात्र, यही इसरी बाजार से जो शिवम विजय बस गुजरती थी उसको हम तो छाती में चढ़ते थे, धनबाद पढ़ने जाते थे, उसके अलावा मेरा कोई और रोल ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैं तमाम व्यवसायी वर्ग से कहना चाहूंगा, आप लोग जिनको वोट दें ये आपकी स्वतंत्रता है, आप मेरा झंडा ना लगाएं ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें, बस यही मैं आपको संदेश देने आया हूँ। अब बिल्कुल, अब जिनको वोट दें वो आपकी स्वतंत्रता है, वो आपका विवेक है, आप किसी भी पार्टी का झंडा लगाएं वो आपकी स्वतंत्रता है, मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, मेरे बारे में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट चलाया जा रहा था, विशेषकर जेएमएम वालों और एक कोई जिला परिषद है सुरेंद्र साहू करके, तो थोड़ा मुझे बड़ा तकलीफ होता है, अरे भाई आप लोग अपना काम। मैं बाय द वे सुरेंद्र जी जो भी है उनसे मेरी, मैं उनको व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, अगर उनको यहाँ से विधायक बनना है तो किनके खिलाफ बात करना चाहिए? जो विधायक हैं हमारे खिलाफ तो बात करना शोभा नहीं देता है। ठीक है, सुरेंद्र जी विधायक बनना चाहते हैं, उनको हमारे से बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उनको किसके खिलाफ बात करना चाहिए था? क्योंकि वो बीजेपी में सुन रहे तो उनको जेएमएम के खिलाफ बात करना चाहिए था, कांग्रेस के खिलाफ बात करना चाहिए था, लेकिन वो सुन रहे हमारे खिलाफ आपको भड़काते हैं। कितना दुख का बात है बताइए, आप पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, क्या दुख की बात है कि नहीं? भाई हम विधायक नहीं रहे, हम मुखिया नहीं रहे, और मेरे खिलाफ क्यों भड़काओगे लोगों को? वही हाल राकेश महतो जी का, जिला परिषद है, उन्हें चेयरमैन भी रहे, बिजली काट दिया इस शख्स ने, जेएमएम के एक बड़े नेता है, और अभी भी आप पता कर लीजिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो प्लीज हमको वोट मत दीजिएगा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं इस घटना को तो कृपया हमको वोट मत दीजिएगा, बिजली काट दिया था उस शख्स ने, उस कसूर गांव वालों का था कि मेरा झंडा लगाया था। तो हम तो मेरा आज तक कितने लोगों ने झंडा, जेएमएम के कुछ लोग झंडा गाड़ रहे थे, हम खुद रोके और बोले कि दादा कोशिश कीजिएगा कि हमसे ज्यादा आप झंडा लगाइएगा, जेएमएम के लोग रास्ते में झंडा गाड़ रहे थे, तो हम गाड़ी रोके और मैंने खुद कहा कि आप दादा हमसे ज्यादा अपना झंडा लगाइएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अंदर अंदर वोट हमको कीजिएगा। तो मेरा वो व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है, बस मेरा जो गुस्सा है वो खराब सिस्टम के खिलाफ है, वो खराब सिस्टम के खिलाफ है, और मेरा ही नहीं, हजारों युवाओं का है, लाखों युवाओं का है, शायद आप भी उनमें से एक हो। अगर कोई गलत करे तो स्वाभाविक है गुस्सा का होना, तो हमारा एग्रेशन, हमारा ये जो व्यवहार है वो उस सिस्टम के खिलाफ है। इसलिए जो यहाँ इसरी के बाजार में खासकर जो एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। मैं आप तमाम व्यापारी व्यवसायी वर्ग से यही निवेदन करूंगा, आप हमारे अभिभावक स्वरूप है, जो भाई है वो हमारे बंधु समान है, आपका मत आपको जिनको देना है, लेकिन मेरे बारे में नेगेटिव कंसेप्ट रख के मैंने इस प्रकार का सोच ना रखे, मैं आपसे यही विनती करने आया हूँ। और ऐसा नहीं है जैसे कि एक कंसेप्ट दिया आता है चंदा को लेकर, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो साल में एक कार्यक्रम होता है वो कर्म के अवसर में, उसमें तो लोग स्वेच्छा से मांगते थे, अजंता स्वीट्स ने काफी मदद किया था, उनको धन्यवाद जो भी है अजंता स्वीट्स। तो ये आपकी स्वेच्छा है, आपको अगर सहयोग करना है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है,
तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे आग्रह होगी कि कृपया इस मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत मैंने वोट को लेकर थिंकिंग ना रखें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। पुनः हम यही कहेंगे, वोट देना ना देना ये आपका विषय है, ये आपके वोट की स्वतंत्रता है, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग, कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी को फैलाने का काम करते हैं, उनसे थोड़ा सचेत रहिएगा, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। चूंकि सड़क बाधित हो रही है और यातायात भी बाधित हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा समय को देखते हुए बस यही ये विशेष संदेश मेरा व्यवसायी वर्ग जो इसरी बाजार से हो, निमिया घाट के बाजार से हो, या कहीं विशेषकर इसरी बाजार और डुमरी बाजार, जहां दो नेता, एक इधर जिला परिषद साहब और एक उधर पूर्व जिला परिषद के कुछ लोग आके आपको जो कंसेप्ट बताते हैं, आप भी समझदार लोग हैं काफी, मतलब आप चेतना है राजनीति की, आप में समझ है, सूझबूझ है, आपका मत है। पुनः आप सभी को मेरा ढेर सारा आप सभी को प्रणाम, मेरा आप सभी को जोहार, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा सलाम। आज जितने भी इसरी बाजार स्थित मेरी आवाज को जहां जहां से लोगों ने सुना, उनको मेरा यही संदेश होगा कि कृपया परिवर्तन के लिए वोट करें। एक लड़का कह सकते हैं अकेले उनसे टकराया है, राजनीति तो होती रहेगी, कई नेता आएंगे कई नेता जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा आज ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है, ये राजनीति का माहौल कभी नहीं था। हमने कहा भी था कि एक तरफ मोदी जी का हेलीकॉप्टर आएगा, दूसरे तरफ राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर आएगा, और उनकी हेलीकॉप्टर यात्रा का उत्तर हम स्कॉर्पियो के छत से देंगे। और आसान नहीं है, शिकायतें आसान है, लेकिन आप एक दिन कल्पना कीजिएगा 7 विधानसभा का दौरा, दिमाग की नस पड़ जाती है। एक दिन में 7 विधानसभा में जाना, भाषण देना, स्कॉर्पियो से जाना, और इसी तरह क्राउड के बीच गाड़ी का हालत क्या होता है आपको मालूम है, 7 विधानसभा। तो ये कहीं ना कहीं कोई है शक्ति जो अदृश्य है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई बूढ़ा बाबा कहता है, कोई मारांग मुरु कहता है, सब अपने अपने स्तर से मानते हैं, पूजते हैं। तो हमें भी लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो समर्थन कर रही है, और नहीं तो एक दिन में 7 विधानसभा का कार्यक्रम करना, रात के 3-4 बजे सोना, फिर 8 बजे आ जाना, और अभी भी होशो हवास में कहेंगे कि बड़ी मुश्किल से हम लोग 2 टाइम खाना खाते हैं, आज भी नहाने का मौका नहीं मिला है। आज भी आपको बताना चाहेंगे हम लोग को नहाने का तक का मौका नहीं मिला है। तो बस आपसे प्रार्थना होगी, वोट आप अपने सूझबूझ के साथ दें, लेकिन ये जो लोग माहौल बना रहे हैं, आप एक बार सोच लें कि उनका उनका कैरेक्टर क्या है। और आपसे छुपा नहीं है, बाजार में बहुत जल्दी चर्चा हर चीज की आ जाती है, तो पता कर ले विगत 5 दिनों से नवाडी में क्या हुआ है, चंद्रपुरा में क्या हुआ है, उत्तराखंड में क्या हुआ है, पूर्वाखंड में क्या हुआ है, और इसरी और डुमरी में क्या हुआ है, और ऊपर घाट में क्या हुआ है, पता कर ले किन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। मेरे भी बहुत सारे साथी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, हम उनको एक ही बात बोलते हैं कि जहां रहो भैया खुश रहना और समर्पित भाव से रहना। ये लोग क्या करते हैं मालूम है, कि यदि वो प्रभावशाली व्यक्ति है तो रिक्वेस्ट करता है कि आ जाइए, और अगर वो कमजोर है धमकाते हैं, अगर वो कमजोर लड़का है तो धमकाते हैं कि देख लेंगे तुमको। तो इसलिए वो छवि उनका होगा, हम एक साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं, मैं एक परिवर्तन की राजनीति करने आया हूं। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि वे लोग जिस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं तथ्यों को, विषयों को, उन विषयों से परे हमारा व्यवहार है, उन विषयों से परे हमारा परिचय है। इसलिए आप सभी से निवेदन होगा, तमाम व्यवसायी वर्ग से, तमाम इसरी बाजार के वासियों से, कि इस बार आप परिवर्तन के लिए वोट करेंगे, ये आपसे प्रार्थना, ये आपसे अनुरोध, ये आपसे विनती करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। जोहार। Oh!